हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल Altcoin रिव्यूज। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ, और आज की वीडियो का टॉपिक है वीकली समरी रिपोर्ट। तो आप लोगों को पता है कि ये पार्ट टू है, पार्ट वन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पर, तो पहले जाकर वो देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एपेक्स से रिलेटेड जो वीकली समरी थी आधी से ज़्यादा तकरीबन शेयर कर दी है। इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम एपेक्स का रिव्यू करेंगे जाकर, और इसके अलावा एक और जो एपेक्स के अंदर अपडेट ऐड हुई थी बाद में, उसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। तो अगर आपको एपेक्स के बारे में जानना है कि मतलब वीक के जो स्टार्ट में 3 जुलाई को जो एपेक्स लॉन्च हुआ था, तो उसकी अपडेट्स अगर आपको जाननी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाके पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने तकरीबन हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है पार्ट वन के अंदर, ठीक है। तो अब मैं पहले तो जाता हूँ अनाउंसमेंट वाले पेज पर, क्योंकि हम उसी में थे पार्ट वन पे। एक बार फिर बता दूँ, ये जो वीकली समरी है वो 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक है, ठीक है। तो मैंने तकरीबन हर चीज़ बता दी कि लेवरेज ट्रेडिंग और आर्बिट्रेज ट्रेडिंग के दो फीचर होंगे, दोनों के लिए जो फीस पे होगी वो आर्ब में होगी, दोनों के अंदर जो ट्रेडिंग होगी वो AUSD से होगी। एक ये AUSD $1 का बनता है, और एबॉट के अंदर जो AUSD है वो भी यहाँ यूज़ हो सकेंगे, ठीक है। और अभी इन्होंने प्रैक्टिस मोड ऑन किया है, तो इस वक्त हमें ये वर्चुअल देंगे AUSD और आर्ब दोनों, और वो हम इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन जब लाइव वर्जन लॉन्च हो जाएगा, तो फिर हमें अपने खुद के पर्सनल AUSD और पर्सनल आर्ब इस्तेमाल करने होंगे, ठीक है। और एपेक्स के अंदर 100+ पेयर्स हैं, 3 एक्सचेंज इसके अंदर ऐड हैं, जिसके ऊपर आर्बिट्रेजिंग और एपेक्स हो सकता है, आर्बिट्रेजिंग और लेवरेज ट्रेडिंग हो सकती है, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग और लेवरेज ट्रेडिंग हो सकती है। पहली है बाइनेंस, दूसरी है क्रैकन, तीसरी है हिट BTC, ठीक है। तो ये बेसिकली इस न्यूज़ की पूरी समरी थी जो मैं पहले दे चुका। अब हम चलते हैं वापसी टेलीग्राम रूम में। ये न्यूज़ आने के तकरीबन 2 दिन बाद 5 जुलाई 2019 को एक और न्यूज़ आई, ठीक है। और ये वाली न्यूज़ तो 8 जुलाई की है, मतलब कल की। तो इसको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट जो फुल वीक समरी बनेगी उसमें कवर की जाएगी। लेकिन अगर आपको इससे इस न्यूज़ से रिलेटेड पता करना है, तो आप मेरे चैनल पे जाएं, मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं लेटेस्ट अनाउंसमेंट के नाम से, ठीक है। लेटेस्ट अनाउंसमेंट बूस्ट रिवॉर्ड्स, लेटेस्ट अनाउंसमेंट इंश्योरेंस स्टाइल पूल, लेटेस्ट अनाउंसमेंट रेफरल प्रोग्राम एंड एडिशनल IE एडिशंस टू IE एंड लेटेस्ट अनाउंसमेंट स्टॉक्स एंड लेटेस्ट अनाउंसमेंट आखिरी वाला था लेटेस्ट अनाउंसमेंट स्टॉक्स और लेटेस्ट अनाउंसमेंट आर्ब के नाम से, ठीक है। आर्ब कमिंग टू आर्ब के नाम से, ठीक है। तो ये 6 वीडियोस हैं जो इस अनाउंसमेंट से रिलेटेड हैं, जो इस वीक में आया है सारा, देख सकते हैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। तो 6 वीडियोस लगी है मुझे इसको पूरा बनाने में, क्योंकि इसके अंदर 6 कैटेगरीज, वैसे तो 7 कैटेगरीज के अंदर सारी अपडेट्स डिवाइडेड थी, लेकिन दो अपडेट्स छोटी थी, तो वो एक ही वीडियो में पूरी हो गई। बाकी 6 कैटेगरीज जो हैं उनको, 5 कैटेगरीज, उनके लिए 5 वीडियो अलग अलग बनाइए, ताकि आराम से हर चीज़ मैंने डिटेल में समझाई है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियोस देखें, ताकि आपको पता चले कि क्या अनाउंसमेंट आया है और आगे जाके आर में कितनी अपडेट्स आने वाली हैं। अच्छा, तो अब हम चलते हैं जो सेकेंड अपडेट आई थी 5 जुलाई 2019 को, क्योंकि वो अपडेट अनाउंसमेंट वाले टैब पे ऐड नहीं हुई हुई है, इस वजह से मैंने वो टेलीग्राम से कॉपी करके अपने नोटपैड में पेस्ट कर लिया, ताकि हम ज़रा जूम करके देख सकें बड़ा। तो हाय आर्ब नेशन, अब पहले इन्होंने ये लेवरेज वाली अपडेट दे दी, 2 दिन बाद इन्होंने ये अपडेट दी। अब ये छोटी सी है तो मैं पढ़ के बता देता हूँ, वरना मैं आपको इसकी भी समरी बता देता। एपेक्स लेवरेज इज बीइंग अपडेटेड टू अलाउ यूजर द फ्रीडम टू चूज देयर ओन लिक्विडेशन प्राइस एंड लिक्विडेशन कॉस्ट यूजिंग द स्लाइडिंग स्केल। तो अब इन्होंने, पहले ये था कि लेवरेज ट्रेडिंग जो हम कर रहे थे उसके अंदर ऑटोमेटिक सारा लिक्विडेशन प्राइस लिक्विडेशन कॉस्ट खुद ही सेलेक्ट हो जाती थी और खुद ही ट्रेड हो जाती थी। तो इन्होंने एक ये नया फीचर इसमें ऐड कर दिया कि जो हम लिक्विडेशन प्राइस है और लिक्विडेशन कॉस्ट है वो हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकेंगे और अपने रिस्क के हिसाब से सेलेक्ट कर सकेंगे। और दिस इज द क्रिप्टो करेंसी फर्स्ट वेयर यूजर्स हैव द एबिलिटी टू चूज द लिक्विडेशन प्राइसेस एंड कॉस्ट। ये पूरी दुनिया में फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी लेवरेज ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको ये फीचर मिल रहा है कि आप अपनी मर्जी से अपना लिक्विडेशन प्राइस और लिक्विडेशन कॉस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस अपडेट विल बी कंप्लीटेड शॉर्टली, थैंक यू कम्युनिटी मैनेजर OZ। उन्होंने कहा कि ये अपडेट कुछ देर में अपडेट हो जाएगी। अब जाहिर है ये न्यूज़ तो 3 दिन पुरानी है, तो ऑलरेडी अपडेट हो चुकी है, ठीक है। तो ये एक इन्होंने नया फीचर इसके अंदर ऐड किया। अब ये जो न्यूज़ है ये 9 तारीख की है, मतलब आज की,
हाँ आज की है, तो इसको मैं अभी फिलहाल नहीं कर रहा क्योंकि ये वीक 7 तारीख को एंड हो रहा है जिसकी मैं ये अपडेट बना रहा हूँ, तो इस न्यूज को अगले वीक के लिए छोड़ते हैं। अब हम चलते हैं एपेक्स की तरफ। अब मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा जो कि मैंने एपेक्स के अंदर की हैं और जिससे मैंने तजुर्बे किए हैं, जो क्योंकि ज़ाहिर है प्रैक्टिस मोड ऑन है तो हम इस वक्त इसके ऊपर अपने हिसाब से तजुर्बे कर सकते हैं। तो जरा ये ऑन हो लें, सॉरी मैं पानी पी रहा था, मुंह सूख गया, तो ये ऑन हो गया है, ठीक है, ये पेज खुल गया है। सबसे पहले मैंने ये इस मेन्यू को हटाया ताकि पेज थोड़ा सा वाइड हो जाए, बड़ा हो जाए, और यहाँ से ये सीएमसी का चार्ट है, कॉइन मार्केट कैप का, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ, देखें जैसा, सबसे पहले तो आपका जैसे ये पेज खुलेगा तो आपको अपने अकाउंट में फंड ऐड करने, क्योंकि जाहिर है ये प्रैक्टिस मोड है तो आपके अपने पैसे नहीं ऐड होंगे, वर्चुअल मनी ऐड होगी। तो ये फिल्ड टैंक का बटन है, सबसे पहले इस पर क्लिक करके और यहाँ ओके करेंगे तो आपके अकाउंट में पैसे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूँ दो चीज़ें, ये जो ऊपर है 3 डब्बे बने हुए, ये आर्बिट्रेजिंग के डब्बे हैं, और ये जो नीचे एक बड़ा बॉक्स बना हुआ है ये लेवरेज ट्रेडिंग का डब्बा है, ठीक है, ये आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का, ये लेवरेज ट्रेडिंग का। अब मैं आर्बिट्रेज ट्रेडिंग की आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल देता हूँ। हम सेलेक्ट कर लेते हैं हिट बीटीसी, ठीक है, हिट बीटीसी ज़रा खुल जाए, ठीक है। अब हिट बीटीसी के अंदर आप जैसा कि देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस है 12,499 और बाइनेंस के अंदर प्राइस है 12,500, मतलब प्राइस में इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और दूसरी जगह पे क्रैकन के अंदर बिटकॉइन का प्राइस है 12,524, मतलब यहाँ पर $24 का डिफरेंस है। अब जैसा कि हम जाते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि बिल्कुल हमें 0.01% प्रॉफिट होगा अगर हम ये ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, मैंने वीडियोस पहले भी बनाई हुई है जिसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है, ये तो फुल वीक समरी है तो मैं बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को नॉर्मल चीज़ें दिखा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल देखनी है तो मैंने पीछे बनाई हुई है वीडियोस, वो आप जाके चेक करें। तो इसमें सिंपल है, आर्बिट्रेज ट्रेडिंग का ये बॉक्स है, हमने इधर से एक एक्सचेंज पर कॉइन होगा महंगा और दूसरी एक्सचेंज पर होगा सस्ता, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर बिटकॉइन जैसे अभी बाइनेंस पे कम रेट है तो हम बाइनेंस पे चलते हैं वापसी, तो बाइनेंस से हम बिटकॉइन को बाय करेंगे और क्रैकन पे जाके हम सेल करेंगे। लेकिन आप बोल रहे होंगे कि इतना लंबा प्रोसीजर कौन करेगा कि एक जगह से बाय करे दूसरी जगह सेल करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ 3 बॉक्स बने हुए, आपने देख लिया बाइनेंस पे रेट कम है क्रैकन पे ज़्यादा है, आपने जस्ट क्रैकन पे क्लिक करना है तो ये बोलता है कि दिस आर्बिट्रेज विल बी फ्रॉम बाइनेंस टू क्रैकन, ठीक है, समझ आ गया। अब बाइनेंस पे ये $12,495 का लेगा और क्रैकन पे ये $12,523 का बेच देगा, इसमें इस ट्रेड में हमें टोटल प्रॉफिट होगा 0.22%, जिसमें से 0.20% हमारी फीस चली जाएगी जो हम देंगे आर्ब कॉइन के फॉर्म में, ठीक है। पीछे हमारा जो प्रॉफिट बचेगा वो 0.05% बचेगा, ठीक है। यहाँ हम अपनी अमाउंट लिखेंगे जितनी भी अमाउंट हमने रिस्क करनी है और ये हम कंफर्म कर देंगे हमारी ट्रेड हो गई। आप देख सकते हैं कि ट्रेड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब ओपन आर्बिट्रेज में देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारी ट्रेड आ रही है, एज सिंपल एज दैट, ओके, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। अब सेम लेवरेज ट्रेडिंग का भी छोटा सा आपको एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। ये लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब है कि हम समझते हैं बिटकॉइन ऊपर जाएगा। ये शॉर्ट है, शॉर्ट का मतलब है कि हम समझते हैं कि बिटकॉइन नीचे आएगा, ठीक है। अब मैं समझता हूँ कि बिटकॉइन यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से और ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर AUSD के अंदर लिख देता हूँ $10,000, ठीक है। फॉर मैं एक एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ, $10,000 लिख के मैं 50x सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, 50x लेवरेज सेलेक्ट कर लेता हूँ जो मैक्सिमम लेवरेज है, ठीक है, और वो मैं मार्केट के हिसाब से लगाऊंगा, ठीक है। 50x लेवरेज मार्केट के हिसाब से सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पर प्लेस, देखो कितने क्लिक करने पड़ रहे हैं बटन, सबसे पहला मैं यहाँ पर 10,000 लिख रहा हूँ, ये क्लिक नहीं हो रहा। फर्स्ट क्लिक ये है जो मैं 50x पे क्लिक कर रहा हूँ, सेकंड क्लिक ये है जो मैं प्लेस बिड पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये मुझे डिटेल्स दिखा रहा है कि ये मेरी ट्रेड की डिटेल्स है, 1% मुझे फीस लगेगी $10,000 की ट्रेड पर, वो आर पॉइंट में पे होगी। अब मेरी लिक्विडेशन प्राइस है 12,394 और मेरी लिक्विडेशन कॉस्ट है $10,000, जो मैं $10,000 लगा रहा हूँ, ठीक है, 382। अब ये मैं जैसे ही कंफर्म करूँगा मेरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है, आई थिंक हो गई। ये शायद कुछ इंटरनेट कनेक्शन का इशू हुआ जिसकी वजह से ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई। फिर मैं प्लेस बिड पर क्लिक करता हूँ और कन्फर्म पर क्लिक करता हूँ, हो गई। ये देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेस,
अब ये मेरी ट्रेड आ गई, वो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से। अब ये आप जैसा कि देख सकते हैं कि मेरी ट्रेड इस वक्त $144 प्रॉफिट में, अब 144 AUSD। अब मैं यहाँ से क्लोज करूंगा तो ये मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ अब देखें आप $858 प्रॉफिट एक सेकेंड में आ गई ट्रेड, ठीक है। अब मैं आपको अपनी कुछ प्रीवियस ट्रेड्स दिखाता हूँ, आर्बिट्रेज की भी और इसकी भी। अब ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मेरी आर्बिट्रेज की ट्रेड है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। अब ये वीकली समरी है तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि अच्छी तरह थोड़ा सा गाइड करके दिखा दूँ ये वीडियोस। चला गया, हाँ ये रहा। अब देखें ये मेरी आर्बिट्रेज की क्लोज ट्रेड्स हैं कुछ जो मैंने की थी। इसमें मैंने देखें आपको मैं बताता चलूं सिर्फ कि ये मैंने ट्रेड की थी बाइनेंस से, बाय किए थे, क्रैकन पे सेल किए थे और सारी की सारी BTC USD में किए, AUSD में, ठीक है। ये मेरा बाय प्राइस है, ये मेरा सेल प्राइस है। अब देख लें बाय प्राइस कम है, सेल प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसमें मैंने $100 लगाए थे और 100.36 डॉलर कमाए, मतलब 36 सेंट का प्रॉफिट। इसमें 100 लगाए थे, 1003, इसमें 1000 लगाए थे, $1003 कमाए। इसमें मैंने 1000 लगाए थे, $1004 कमाए। इसमें मैंने 1000 लगाए, $1004 कमाए। और इसमें मैंने 10000 लगाए थे, $10057 कमाए, ठीक है। तो ये सारा इनका तरीकेकार है। अभी मैंने अभी एक और ट्रेड भी की है जो कि अभी प्रोसेस में है, ये भी पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनका ये सारा इसका प्रोसीजर है। अब सेम जैसे मैंने ये लेवरेज ट्रेडिंग का कॉन्ट्रैक्ट ऑन किया हुआ है, देख सकते हैं कि $861 प्रॉफिट में मेरी ट्रेड है। तो सेम मेरे यहाँ पर क्लोज कॉन्ट्रैक्ट्स है कुछ, वो मैं आपको दिखाता चलूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये भी क्लोज बाइनेंस में मैंने की है ट्रेडिंग, 50x पे की है तीनों मैंने लॉन्ग की थी। पहली वाली में मैंने $100 लगाए थे सिर्फ टेस्ट के लिए और मुझे उसमें $98.50 का प्रॉफिट हुआ। दूसरी में मैंने $10,000 लगाए थे, मुझे $9,900 का प्रॉफिट हुआ। तीसरी में भी मैंने $10,000 लगाए थे और मुझे $9,900 का प्रॉफिट हुआ। तो इस तरीके से ये सारी ट्रेडिंग होती है। मैं जस्ट आप लोगों को एग्जांपल देना चाह रहा था, मैं कोई इसमें पूरी वो तरीकेकार समझाना नहीं चाह रहा था, वो मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। मैं जस्ट आपको अपनी ट्रेड्स दिखाना चाह रहा था। तो ये है सारा सिनेरियो कि ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी फुल वीक समरी के अंदर सिर्फ एपेक्स ही एपेक्स था, दूसरी कोई अपडेट नहीं थी, इस वजह से मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी जो फुल वीक समरी के अंदर है। अगर मैं कोई चीज़ मिस कर रहा हूँ तो माजरत, नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है मैंने कोई चीज़ मिस की है। मुझे लग रहा है मैंने तकरीबन हर चीज़ कवर कर दी है। तो अगर कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं फुल वीक समरी को। अगले हफ्ते मिलेंगे, उस वक्त भी बहुत सारी अपडेट्स होगी, हो सकता है उस वक्त भी दो पार्ट बने, लेकिन अभी उसको बहुत टाइम है। इस वीडियो का यहाँ इख्तिताम करते हैं। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।